नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। 12-13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा उसके बाद यही रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना को क्यों नहीं खरीदा। 1 करोड़ की बेस प्राइस पर सुरेश रैना की बोली किसी ने नहीं लगाई, लेकिन हैरानी तब हुई जब चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उनसे किनारा कर लिया, जिसके बाद बायकॉट चेन्नई सुपर किंग्स लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। सीएसके की आलोचना हुई, महेंद्र सिंह धोनी को भी कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि इस तरीके से सुरेश रैना के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हालांकि धीरे धीरे मामला शांत हुआ, लेकिन अब फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ ऐसा किया जिस पर फैंस भड़क गए हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सुरेश रैना की उपलब्धियों और चेन्नई सुपर किंग्स के उनके योगदान को याद किया है, और जिसमें उन्होंने तमाम तरह के फुटेज दिखाए हैं और सुरेश रैना का पूरा सफर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दिखाया है। इसी पर अब फैंस भड़क गए हैं। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर रैना का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें फ्रेंचाइजी ने मिस्टर आईपीएल के योगदान को सलाम किया है। 2 मिनट के इस वीडियो में टीम ने रैना की उपलब्धियों को बयां किया है। वीडियो में सुरेश रैना के 2008 से लेकर 2021 तक का सफर दिखाया गया है। साथ ही रैना की प्रैक्टिस, उनकी टीम के साथ बॉन्डिंग और खिलाड़ियों के साथ की दोस्ती भी दिखाई गई है। हालांकि फैंस को यह रास नहीं आया और उन्होंने एक बार फिर से टीम की वाट लगाना शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार भला बुरा अब कह रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, मोस्ट सेमलेस फ्रेंचाइजी एवर चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके विल कम टू एन एंड वेरी सून आफ्टर धोनी लीविंग दिस फ्रेंचाइजी। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, रैना वॉज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ सीएसके यूनिवर्स, ही ब्रॉट सो मच एंजॉय एंड पॉजिटिविटी। तो वहीं एक यूजर ने सीएसके को ये राय दी है कि आप रैना को टीम में शामिल कीजिए, चाहे उनको फील्डिंग कोच बनाइए या कुछ और जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन उन्हें टीम में जरूर शामिल कीजिए और ऐसा उनके साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए था जैसा आपने किया है। फिलहाल ट्विटर यूजर्स लगातार ऐसे ही कमेंट्स चेन्नई सुपर किंग्स के इस वीडियो पर कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि रैना के साथ जो कुछ भी चेन्नई सुपर किंग्स ने किया है वो गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने साफ कर दिया था कि रैना अब उनकी टीम में फिट नहीं बैठते हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब उनको आगे सोचना है, इसीलिए उन्होंने रैना को नहीं खरीदा है।